अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ नीलम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। ये आज की जो रेसिपी मैंने बनाई है वो है ड्रीम केक की, और बहुत ही इजी से बनती है ये ड्रीम केक। आप ट्रस्ट करें मुझ पर, इतनी इजी बनती है, इतनी इजी बनती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ना बीटर हो, कोई ज़रूरत नहीं बीटर की, कोई ज़रूरत नहीं है हैंड मिक्सर की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये ड्रीम केक बाज़ार में इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, घर में आप बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। मैक्सिमम 1000 रुपीज़ या मिनिमम आई थिंक 800 या इस तरह की कुछ जो है ना क्या नाम है आपकी चीज़ों पे खर्च होगा, पर यह है कि आपका बाहर से बचत हो जाएगी। बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है ये ड्रीम केक बाहर, घर में बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। और मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी बनाया था, क्यों इस वजह से क्योंकि बस दिल चाह रहा था मेरा, बहुत ही इजी तरीका था ये, तो मैंने कहा चलिए स्टार्ट करती हूँ और बनाती हूँ किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले इसके स्पॉन्ज बनाएंगे। स्पॉन्ज के लिए मैंने आपको बताया था कि केक के स्पॉन्ज बनाने के लिए मेरी रेसिपी भरी पड़ी है चैनल पर, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया था मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और मैंने ले लिया था इसमें टेट्रा पाउडर, ठीक है। वो मैंने डाल दिया इसमें, मिक्स कर दिया था इसको, और लिक्विड बैटर के साथ इसको मिक्स किया था, ठीक है। केक बनाने का तरीका ये, लिक्विड बैटर में मैंने क्या किया था कि अंडे ले लिए थे, तेल ले लिया था, दूध ले लिया था, चीनी ले ली थी, बस इसको मैंने दोनों को मिक्स करके ये बैटर बन गया। इसको मैं टिन में डाल दूँगी, टिन और जो मेरा ड्रीम केक का टिन है ना, दोनों एक ही साइज़ के थे, ठीक है। अगर आपका टिन बड़ा हो छोटा हो आपको ऐसा लगे तो आप साइडों से केक कट करके ड्रीम केक में डाल सकते हैं, ठीक है। ये गोल वाला शेप का टिन था और बहुत अच्छा था, इजी मिलता है ये मार्केट में, 230 या 250 तक का मिल जाता है, ठीक है। इसको फिर मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, और इसको ना आप इस तरीके से जो है ना निकाल लें, मतलब एयर निकाल लें ताकि अच्छे से बेक हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हम टूथपिक की मदद से, किसी भी पिन की मदद से आप कर लें। मैंने वो बेक करने के लिए पतीले में रख दिया था, उसकी रेसिपी आप मेरे जो है ना चैनल पर जाके देख सकते हैं। सेकेंड लेयर मैंने बनाया था, ठीक है। इसको मैंने कैड कर दिया कि एक बाउल में मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, ठीक है। व्हिपिंग क्रीम मैंने एक कप ले लिया था, ठीक है। अच्छे से ठंडा कर लिया उसको, और साथ में मैंने कोको जो कोई से भी ब्रांड का जो कोको स्प्रेड होता है ना, आप वो डाल दें, ठीक है। 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून डाल के इसको डाल दें। उसके साथ ही मैंने वाइट चॉकलेट भी डाल दी थी, दोनों मिक्स तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था अच्छे से। वाइट चॉकलेट ऑप्शनल है, आप अगर है तो डाल दें, नहीं है तो नहीं डालें, ठीक है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया अच्छे से ठंडा होने के लिए। केक मेरा बन गया था, केक मैंने निकाल लिया, देखेंगे कितने अच्छे से और फूल गई है ये केक, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये केक। और ये देखें इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल दिया, और मैं इसको देख रही हूँ कि ये टिन में आ जाएगा फिक्स के नहीं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, टिन में आ रहा था, ये साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट था, पर फिर भी मैंने इसके बीच में से दो कटिंग कर ली, ठीक है। फुल मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल भर जाता, तो थोड़ा सा मुझे ना सारी जो क्रीम वगैरह के लिए भी मतलब चाहिए ना चीज़ें ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो मैंने दो कटिंग कर ली, एक को मैंने अलग प्लेट में रख दिया, और ऊपर को मैंने ऊपर वाली इसको मैंने ऊपर से काट के थोड़ा अलग प्लेट में रख दिया। कोई सा भी जो है ना अपने टिन में डाल सकते हो। तो मैंने क्या किया कि एक टिन को मैंने रख लिया सामने, और एक केक जो है ना एक पीस का एक साइज़ एक साइड का केक एक पीस वो मैंने अपने टिन में रख दिया, दूसरा मैंने साइड पे रख दिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ताकि ऊपर से ना जगह भी परफेक्ट पड़ा हो ना, ताकि मैं और चीज़ें भी डाल सकूँ, वो डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध से ये होता है कि थोड़ा सा आपका केक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट भी हो जाता है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैंने दूध डाल दिया, ठीक है। दूध डालने के बाद जो मैंने अपना इसका बैटर बनाया हुआ था ना क्रीम का, व्हिपिंग क्रीम का, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। देखें इसके लिए कोई भी ब्लेंडर नहीं है, इसके लिए कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आपने हाथों की मदद से मिक्स कर देना हल्का सा, और जब ये गाढ़ा हो जाए आप इसके ऊपर डाल दो अच्छी तरह से, चारों तरफ डाल दीजिएगा। और ये इतना सॉफ्ट और ईजी बना था ना कि आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बना था ये। तो इसको चारों तरफ डाल देंगे अच्छे से, इसको चारों तरफ डाल के इसको कवर कर लेंगे, और फिर इसको मैं 2 मिनट या 3 मिनट के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाएगा ये। तब तक लिए इसके थर्ड लेयर हम बनाएंगे, वो भी चॉकलेट से बनाएंगे। वो चॉकलेट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था, और इसको किसी भी पेपर में आप मतलब डाल के उसको अच्छे से पतला कर दें ताकि वो कड़क हो जाए, उसके ऊपर हम डाल देंगे, वरना तो एज इट इज़ आप जो है ना वो चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसके ऊपर डाल दें और ठंडा करने के लिए रख दें, ठीक है।
ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं इसी तरह बहुत इजी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन फ़र्स्ट आपको मिल सके और आप लोग फर्स्टली जाके उसको देख सकें। ठीक हो गया, ये मैंने डाल दिया। सेकेंड लेयर भी मैंने डाल दी। सबसे पहले केक डाला, उसके बाद मैंने केन में व्हिपिंग क्रीम का क्रीम मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद थर्ड लेयर मैंने चॉकलेट ले लिया था 2 टेबल स्पून, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। साथ में आप बादाम या किशमिश जो भी आपके पास हो आप वो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो मत डालें। चॉकलेट चिप्स है तो चॉकलेट चिप्स डालें, वो भी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। बिस्किट है तो बिस्किट को चूरा करके डाल दें, जो आपका दिल चाहे आप वो डालें। ठीक है, इसमें कोई फजूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दिल चाहे आप वो डालें। ये तो मैंने ऐसे ही सिंपली ज़रा सा शौकिया थोड़ा सा ये डाल दिया ट्राई करने के लिए। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, ये पेस्ट टाइप हो गया और इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। असल में मैंने एक हाथ से ही मैं काम कर रही हूँ, इसलिए एक हाथ में मेरा मोबाइल है, दूसरे हाथ में मेरा जो है ना कि मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं डालते हुए आप लोग को दिखा नहीं पा रही। ठीक है, और ये हो गया थर्ड लेयर हो गया था। अब फोर्थ लेयर इसमें यह है कि आपने क्या करना है, चॉकलेट एज इट इज़ सिंपली चॉकलेट को लेकर आपने गर्म कर देना है। ठीक है, हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा, हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा गर्म कर ले ताकि पेस्ट हो जाए और वो इसके ऊपर डाल दें। ये देखें, इसके ऊपर डाल दिया आपने, फिर रख देना है 15 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए और ऊपर से लेयर उसकी कड़क हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर मैंने जब वापस मैं निकाल दिया, ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, जब निकाल दिया फिर मैं ये बिल्कुल ठंडा और चिल हो गया था और कड़क हो गया था, ये बिल्कुल सख्त हो गया था। और इसके ऊपर मैंने ये कोको पाउडर डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने हथौड़ा लाना है और इसको कूटना है। मतलब ये है कि आपने जो है ना कहना में छुरी लेनी है या चम्मच लेना है, जो भी लेना है आपने ऊपर से ठक 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 करना है और ये टूटेगा नहीं। और इसको ही कहते हैं ड्रीम केक, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ये जब अच्छे इस तरह से ऊपर से हम दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में आगे भी, तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया, बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब बच्चे आ गए तो मैंने ये देखें शुरू हो गई हूँ मैं इसको कूटने के लिए। तो ये ठक 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 मार रही हूँ और आवाज़ आई, तो आई होप आपको पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बहरहाल जो भी है ये ऊपर से इस तरह से था, सख्त था, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। ये देख लें, आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, एक टेबल स्पून असल में ये मीठा भी है और मैंने इतना ज़्यादा मीठा इसको रखा भी नहीं क्योंकि मैंने चीनी सिर्फ और सिर्फ अपने केक के टाइम में डाली थी और ज़्यादा नहीं, बाकी सारा चॉकलेट का इस्तेमाल था इसमें। ठीक है, ये मैंने एक बाइट ले ली और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही यमी बनी थी, बहुत ही यमी बनी थी। आई होप आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को अगेन मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बहुत बेचारे परचेस नहीं कर सकते इस तरह से। बहुत ज़्यादा सी रेसिपीज़ बाहर जो मिलती हैं, केक मिलता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आई होप वो घर पर बना सकें। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।